देखो गाइस, ये है थिएटर। यो गाइस, तो मैं आप जितेंद्र जैक्सन फिर हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आई गाइस स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग मतलब एक हिस्टोरिकल होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं झांसी के सबसे बड़े थिएटर, सबसे पुराने और सबसे यूनिक थिएटर में। मतलब मेरा आज मन किया कि कुछ अलग करते हैं ब्लॉग में, तो कुछ मतलब अलग करने के लिए समझो आज सबसे बड़ा, सबसे पुराना, सबसे अच्छा थिएटर माय पॉइंट ऑफ व्यू में। क्योंकि वो मैं सही बताऊँ तो आपके गाइस सिविलियन के लिए अलाउ ही नहीं है, वहाँ पर सिविलियन जा नहीं सकते अंदर। मतलब वो आर्मी के अंदर में पहले सिविलियन के लिए अलाउ था, अब सिविलियन के लिए बंद हो चुका है। जो आर्मी पर्सन है, आर्मी मतलब आर्मी के बच्चे, वो ही जा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊँगा आज कैसे आर्मी मतलब आर्मी बबीना वाइट रेजिमेंट में है, वहाँ पर वो थिएटर वहाँ पर चलेंगे। तो आपको दिखाऊंगा मैं आज झांसी का सबसे बड़ा थिएटर। तो बने रहना ब्लॉग में, आज का ब्लॉग आपको देखना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। फिर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो हम निकल रहे हैं अभी अपनी एमटी से, देखो हमने कल धुलवा ली थी, मस्त लग रही है यार। देखो अगर अपनी गाड़ी को साफ रखो, केयर करो ना गाड़ियों की, तो बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल चमक रही है एकदम से। मैंने अभी लिखवा दिया इस पर इंस्टाग्राम अपनी आईडी, यहाँ पे आकर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के साथ। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर, हमें मिले हैं जीतू भाई। जीतू भाई कैसे लग रहा है आज आप? स्मार्ट लग रहा है, हीरो है कि हैं? अभी अभी कुछ कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे? हीरो है, हीरो है, दाऊ सब हीरो हैं। सपा में है लेकिन लोग आ चुके हैं। सपा की सीटें 10 दी आ रही और ये कह रहे हैं 10। हां नहीं, राजनीतिक बात नहीं होगी यहाँ पर, नहीं राजनीतिक। यहाँ पर राजनीति बात कुछ नहीं होती, हम लोग पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं थिएटर। देखो गाइस, ये है थिएटर, सिविल ऑडिटोरियम्स का नाम है। मूवी लगी है हनुमान। है हमारे भाई से तो मिल लो, भाई हमारे सूरज भाई, क्या हाल? बढ़िया भाई, बढ़िया। तो यहाँ पर सूरज भाई ने हमें परमिट कराया है यहाँ का, नहीं तो हम तो आ जाए जा ही सकते, यहाँ का सिस्टम चलता है। कितना अच्छा फुब्बारा लग रहा है, तो अंदर एंटर कर। तो गाइस देखो, इस तरीके का थिएटर होता है यहाँ पर, ये पूरा आर्मी के एरिया में आता है। तो कितना समय लग रहा है यहाँ, पूरे सब सिविलियन, कोई भी अलाउड नहीं है, सर आर्मी के बंदे बैठे हुए हैं। कितना साफ साफ है, नीट एंड क्लीन है। तो अब बाहर कहीं भी जाओ थिएटर में, नहीं तो गंदे पड़ा जाता, कितने अच्छे में भी जाओ, नहीं थोड़ी देर बाद यहाँ भी नहीं मिलेगा, वहाँ पर जुर्माना है। लिखा था बाहर 1000 रुपये का, यहाँ पर कचरा फेंकते हैं आप, 1000 रुपये जुर्माना है। कितना बड़ी लगेगा, बस 5 मिनट बाद मूवी स्टार्ट होने वाली है। अभी हो चुका है इंटरवल, बहुत ही अच्छी मूवी है। हाँ सर, कब कब हो गया? चलो ठीक नहीं होगा। मूवी कैसी लगी? ठीक लगी, मैं बहुत देर बाद देखी। कैसी लगी मूवी? ना पहली बार देख रही, देखी थी बस एनिमल। एनिमल मूवी कैसी लगी? ठीक था, बहुत अच्छी मूवी है गाइस हनुमान, आप लोग भी जरूर देखें। बहुत पहले रिलीज हो गई थी 12 जनवरी को, लेकिन यहाँ थोड़ा लेट लगती है, लेकिन मैंने पहली बार ही देखी है। चलो कुछ खाते हैं पहले। अरे हम खा रहे हैं पेटीज, सर जी खाएंगे आप? जी खाएंगे, नहीं खाएंगे सर, हम ही खा रहे थे। गाइस मूवी स्टार्ट हो चुकी है, मैंने पेटीज खा लिया, अभी आइसक्रीम खाते जा रहा हूँ। स्टार्ट हो गई चुकी है मूवी, जो ये भाग गया पहले ही, करते जल्दी जल्दी। कृष्ण अर्जुन के रथ
खत्म, रिवेंज भी खत्म, लेकिन मूवी बहुत बढ़िया है, भगवान के ऊपर बनाई, बहुत सुंदर मूवी है, बहुत ही बढ़िया, आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा भैया पूरी झांसी ऐसे इसी बताना है, पूरी झांसी का सबसे पुराना और सबसे बड़ा थिएटर कौन सा है? जी ये वही बताया जी, हम लोग हैं, ये हैं, आपको जानकारी के लिए बता दें, ये है आसियाना कैंटीन में बबीना में, यहाँ पर सिविलियन ऑडिटोरियम। तो गाइस घूम फिर के आ चुके थे घर पर, ऑलमोस्ट आपके बच्चे के 9:30 इस घर पर आए, यहाँ पर लाइट चली गई थी, मेरे घर के कनेक्ट थोड़ी लाइट का कनेक्शन थोड़ा सा नहीं कुछ हो गया था खराब, उसके रिपेयर में लग गया इसलिए लेट हो गए। खाना पीना वहीं मैं खा के आ चुका था, वहीं पे थोड़ा सा खा लिया, थोड़ा बहुत खाना पीना मतलब आज, लेकिन मज़ा आया मूवी में बहुत अच्छा। मैं आज मैं सब फर्स्ट टाइम में सहता हूँ गाइस, मैं 2013 में गया था मूवी देखने के लिए MC मेरी कॉम, उसके बाद फिर आज गाँव में 11 साल बाद मेरे को बिल्कुल थिएटर वैसा का वैसे ही रहा, मतलब इंटीरियर थोड़ा चेंज हुआ लेकिन थिएटर का वही को वही अच्छा लगा मुझे, इतना मज़ा आया बहुत अच्छा। मैंने फर्स्ट मूवी वहीं देखी थी, मुझे मैंने कभी बहुत बड़े बड़े थिएटर देखे लेकिन मुझे अच्छा उससे अच्छा थिएटर मेरे को कभी नहीं लगा। तो गाइस अगर आपको भी थिएटर पसंद आया होगा तो लाइक करना, मेरे चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं ऐसे अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज के अलविदा, मैं जितेंद्र जैक्सन, जय हिंद जय भारत।